हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो भाई हम कल जा रहे हैं कश्मीर, और अभी मेरे को याद आया हम पहले से व्लॉग बनाते हैं हम, क्योंकि हम ना बहुत तंग हो रहे हैं। ये देखो वेट मशीन हम यही ले आए, क्योंकि यार हमने ऐसे कपड़े ले लेके घूम रहे हैं ऐसे। देखो मैं पर बंदा लेके जाना है 7 kgs, और हमारा अकेले का मेरे औरत 10 kg का बैग, और इनका तो हो गया था ठीक 7.5, लेकिन अब देखते हैं। अभी हमने बूट्स नहीं रखे, मेकअप का सामान नहीं रखा, कुछ भी मेकअप क्या हुआ तो तुम्हें रखी थोड़ा सा। ये देखो ये इनका अभी से हो रहा है इतना, और अभी तो ये हो गया 7.5 kg का मेरा, और इसका जा रहा है 9 kg का। ये देखो साइड किया है कि हम यहाँ से ढेर पहन के जाएंगे ताकि हमारा बैग खाली हो। शेलक होम्स पहन के जाएंगे, लंबे लंबे कोट और टोपी ऐसे मोटे से हम ऐसे मोटे से बन के जाने वाले हैं ऐसे। नहीं आएगा यार, वहाँ कोई बोलेगा नहीं, वहाँ भी कपड़े ठंड लग रही है, और वहाँ जाके फिर हम बैग में ठूस देंगे सब। ऐसे जाएंगे ऐसे सब ऐसे जाएंगे भाई। गुड मॉर्निंग, और हम सब रेडी हो गए, अब हम जा रहे हैं फटाफट। ये बहुत लेट कर रहे हैं, ये दो जल्दी हो गए, ये लेट कर रहे हैं पीछे, सब सामान लोड कर रहे हैं। ई रिक्शा तक सुबह हम छोड़ेंगे सारा सामान, और हम लोग जाएंगे पैदल। ये काफ़ी है, और सुबह सुबह पैदल हम सब आ गए हैं शुभम के घर। ये रहा शुभम का घर, मतलब वही मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया, इस बंदे की बहुत जान पहचान है, तो इसने हमारा सामान पहुँचवा दिया। बहुत मतलब काम ही बंदा एकदम। अभी अपनी बीवी को लेने गए ऊपर, मेट्रो आ गए हम, और ये रहे हमारे बैग। ट्रेन और मेट्रो, और ये लोग बैठे, ये रहे, और कोई तैयार हो रहा है ये। यहाँ पे जो ये लगेज के लिए दिया है, जो नॉर्मल मेट्रो में ये वाला स्पेस नहीं होता है, हमें जगह जब नहीं मिलती तो हम यहाँ घुस के बैठ के जा सकते हैं। वरना जब भीड़ में हम जाते हैं दूसरी मेट्रो में, इतना लगता है कि यार थोड़ी सी जगह मिल जाए, कोई कोना मिल जाए, तो ये कोना उसी के लिए बनाया गया। हम लोग जा रहे हैं T3 पर। T3 हम यहाँ से आए मेट्रो से, और अब मेट्रो के अंदर अंदर है, और वैसे हम इस साइड से आते थे, क्या बोलते हैं, जब कैब वगैरह, हाँ कैब या फिर गाड़ी वाड़ी से आते। तो भाई ये भी आ गई, हम फर्स्ट हैं, और ये देखो अभी वहीं खड़े हुए। ये घबराए हुए आ रहे हैं, ये एयर इंडिया, पता नहीं एयर, हाँ एयर इंडिया वाले हो रहे हैं इनका, एयर इंडिया हमारा विस्तार भैया। अभी हम अपना दे रहे हैं लगेज, ये जाएगा, ये इन दोनों की पहली फ्लाइट है, ये घर पे बात कर रहे हैं, और साथ में दूसरी फ्लाइट है। और बाकी यहाँ का मेरे को याद है, पिछली बार जब मतलब 2018-19 में शायद से यहाँ क्रिसमस के टाइम पे आए थे हम, तो यहाँ पर वो था, क्या कहते हैं, यहाँ सेंटा था, और बाकी ऊपर खाने का यहाँ, यहाँ से हम चेकिंग करके आए, और हम इस साइड जाएंगे अभी। तो भाई अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और हाँ हमने सुबह कुछ नहीं खाया हमने खाना वाना, ये वेट कर रहे हैं। ये भी पहली बार आ रहे हैं फ्लाइट में, KFC और अपना वो रहा डोमिनोज, तो हम जाएंगे पता नहीं किस पे। कहाँ खाना है? डोमिनोज तो भी आ गया सुबह आ रहा, और ये आ रहे हैं पीछे पीछे। ऑर्डर किया है मैकडी से, जैसा सीन है। ये रहा कोल्ड कॉफ़ी, अभी इसमें से आइस निकाल रहे हैं, हमें आइस नहीं चाहिए। ये देखो आइस निकल रही है, हमें आइस नहीं चाहिए। ये खाया पहला चक। तो भाई ये पिज़्ज़ा आ चुका है इनका, कॉर्न। इसको नींद आ रही है, खा के जा रहे हैं अपने गेट नंबर पे, गेट नंबर हम साथ ही साथ पोस्ट पेड नंबर जिन जिन के पास है वो हाँ। सेव करते हुए जा रहे हैं। ये रहे लेन, शुभम जाएगा इस साइड, हम जा रहे हैं इस साइड। हमारा 37 है, इसका 31, ये वाला एरिया। तो भाई ये यहाँ से इस साइड जा रहे हैं, अब मिलेंगे हम कश्मीर में। और ये बैठी कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं अब। और ये रहा विस्तारा, विस्तारा ये विस्तारा खड़ा अपना विस्तारा, और यहाँ से आप जाएंगे, शुभम की फ्लाइट हुआ है एयर इंडिया।
वो सारी एयर इंडिया खड़ी है वहाँ, एयर इंडिया का, और ये सारा विस्तारा का इस साइड, वो सारे yes, विस्तारा खड़े right. वो कबूतरों को पकड़ता बंदा जो हमने देखा था ना उसमें, एक बंदा देखा हमने, वो ना जाली लेके जा रहा था, नेट लेके घूम रहे थे, तो हम ऐसे कि कीड़े मकोड़े पकड़ने, इन्होंने बोला नहीं वो कबूतर या फिर कोई चिड़िया पकड़ने आया, रो रहा छुप के बैठा है वो आ रहे होंगे गलती से, निकल नहीं पा रहे होगी अपनी एंट्री, हम जा रहे हैं, वो खड़ा अपना प्लेन, ये लोग भी आ रहे, अरे रुक गया, ये रहा अपना प्लेन विस्तारा, हम जाएंगे यहाँ से घूम के इस साइड, और ये हो रहे हम एंटर, बैठ चुके हैं फ्लाइट पे, हम दोनों की सीट साथ में और वो बैठे हैं पीछे, टाइम हो गया 10:10 और 10:30 बजे है, सीट गई विंडो सीट सो वी हैव अ ब्रेकफास्ट हेयर, आ गया हमारा खाना, हमें मिला है ब्रेकफास्ट में उपमा और कुकीज, और ये बड़ा अच्छा किया यार ये दिया लेमन वाटर, किसी का मन वन ख़राब होगा तो ये नींबू पानी पियेंगे, तो अब हम करेंगे नाश्ता, हम लोग थोड़ा सा खाएंगे, पीछे ये खा रहे हैं, और यहाँ भैया बहुत डर रहे हैं कि ये प्लेन हिल क्यों रहा है, कह रहे सही सलामत नीचे उतार दो ये घबराई हुई नजरें जो बाहर देख रही है, कश्मीर में हम लोग बिल्कुल मजे से और वो पोहा सा दिया था, मेरे को पसंद नहीं आया, पोहा नहीं था वो जो भी था, वो हलवा सा, उपमा, मेरे को नहीं पसंद आया, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन वो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा के, और शुभम डॉली और वो लोग पहुंच चुके ऑलरेडी, हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट जो लोग थे वो लेट आए थे, तो हम जा रहे हैं अपना लगेज लेने, अब हम लगेज लेंगे और हम श्रीनगर लैंड किए श्रीनगर, और यहाँ हम वेट कर रहे हैं बेल्ट नंबर 1 पे अपने लगेज का, पता नहीं कहाँ है, सब ताक लगा के बैठे हैं, और ये डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी की है, तो भाई हम उतर गए और हम जा रहे हैं, पेड़ देखो कितने डिफरेंट है, अब हम टैक्सी पे बैठ रहे हैं और मेरी आंखें नहीं खुल रही, चश्मा भी अंदर पड़ा हुआ है, और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो यहाँ के ये पेड़, हाँ ये पेड़ अच्छे है, पीछे अलग से यूनिक से पेड़ है, और अपनी गाड़ी है इनोवा, ये बैठ रहे हैं हमारे साथ बैठा कोई एक बहुत बड़ा हस्ती, कबाब में हड्डी, मेरा हड्डा आगे है, वो किसी और का हड्डा बना हुआ है, वो इन दोनों के बीच में बैठे, बढ़िया, यहाँ पर पेड़ क्रिसमस ट्री, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखना, घर जो हम देखते आए हैं अच्छा है काफी, घर अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो घर नहीं है जो हम बचपन में वो जोड़ के बनाते थे, वैसा सा लग रहा है, हर जगह आर्मी है इधर, और हम जब उड़ीसा गए थे वहाँ का भी एयरपोर्ट आर्मी एरिया में था, गोवा का भी कैंट एरिया में था, और कश्मीर का भी कैंट एरिया, फॉरेन कंट्री ऐसे घर है देखो, जैसे फॉरेन में आ रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, रहे यहाँ पर वेट, और ये कर रहे हैं चेक इन और बात कर रहे हैं, बाहर कल बोल रहे हैं बहुत झमके, कल गिरेगी बर्फ़, भाई ये रूम है, ये अपना हीटर लग रहा है, और ये सारे प्लग वगैरह, ये फोकस लाइट, इसको आप मोड़ सकते हो इस साइड, और ये हीटर वाली वो क्या बोलते हैं ब्लैंकेट, व्यू, और ये व्यू है, ये मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है घर काफी, मतलब ऐसा लगा ऐसा फॉरेन में, पूरा परफेक्ट अलग सी जगह, मतलब आपको ये अच्छा सा, मतलब एक और नहीं होता जैसे अच्छी सी बिल्डिंग है,
ट्रीज वगैरह सब कुछ बहुत प्रॉपर एकदम बहुत अच्छा व्यू। अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबसे अच्छी बात वॉशरूम भी इतना बड़ा साफ सुथरा और खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है और ये टाइल मतलब अच्छा है। और ये मिरर और ये हम कॉफी वगैरह कुछ भी बना के पी सकते हैं। और ये टीवी और शुभम कह रहे थे डॉली को नाटक देख सकते हो, हमें तो देखना नहीं। और ये हमने सामान रखा है, जा रहे हैं खाना खाने अपने रूम बंद करके। ये चाबियां रख रहे मतलब अच्छा ठीक है अभी, मतलब अच्छा लग रहा है अभी तो ट्रिप अच्छी चल रही है। यहाँ पर लोगों के घर है, ये जो नीचे बोट है ये घर है। ये लेक है, ये भी गहरी है, ये 30-40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसी बसें हैं थोड़ी पुरानी टाइप की, मतलब ने बहुत मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बहुत अलग सी जगह। डल लेक आ गई। अच्छा कितना बढ़िया लग रहा है, लोग जा रहे डल लेक। नाम देख ले अपने वाले को कौन सा है। तो भाई ये बहुत मस्त लग रहा है इधर से। ये साइड में लेक है और हम इधर रोड पे चल रहे हैं। जो हमें दिख रहा है वैसे कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन जो भी कैप्चर करा बहुत अच्छा है। ये ऐसे झाड़ जैसे पेड़ काफी सुंदर है। ढाबे पे जिसका नाम है राजा ढाबा, राजा ढाबा एंड दैट इज ओनली वेजिटेरियन पे आए हम, क्योंकि हम प्योर वेज हैं। राजा ढाबा भाई आ गया खाना। ये पापड़, पनीर, सब्जी मिक्स और सलाद इस पर डाल। क्या कर रहे हैं? खाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं बाहर। और ये छोटी छोटी ये दिख रही है बत्तख के डक है। डक उड़ती भी है? हाँ उड़ती है, थोड़ी बहुत उड़ रही थी अभी। ये डक है, डक इनको ठंड नहीं लगती। अभी ऐसे पत्थर से देख रहे हैं। खाना था अच्छा था, और मतलब हमने चिली पटाटो लिए थे, हमने वेस्ट किया, हमें अच्छा नहीं लगा। तो हम पहुंच गए जी, अभी हम पहुंचे हैं दिलशाद गार्डन। आगे आप जैकेट जैकेट पहन लो। निशाद सुन रहे हो? तो भाई हम आ गए हैं मुगल गार्डन निशाद। समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे पहनूं या नहीं पहनूं। अभी नहीं मैंने रख लिया, कहीं हवाएं चलने लग जाए यहाँ पे। और इसी के सामने ये लेक। और ये क्या देख रहा है यहाँ से? ये टिकट ले रहा है, टिकट काउंटर ले रहा, टिकट ले रहा है, ये टिकट ले रहा है, टिकट 50। तो भाई 150 रुपये पर पर्सन टोटल। अच्छा तो 6 जनों की 150 रुपये की ये आ गई टिकट। ये 6 जनों की है, चक्कर लगा। ये आ गए हम मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन। और हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आपको अगर शकीरा की राइड लेनी है तो फटाफट मुगल गार्डन। शकीरा की राइड शिवम कह रहा मैं लूंगा, मैं तो कह रहा मैं लूंगा। आगे इधर ये गार्डन है इस टाइप में। और ये व्यू वैसे कुछ है नहीं इसमें, पता है बेकार में ले लिया हमने, क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ कुछ वैसा है नहीं। वो मिस हो जाएगा, कुछ वैसा है नहीं। तो हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्ट किया था कि ये वाला जो मुगल गार्डन है जहाँ अभी हम प्रेजेंटली आए हुए हैं वहाँ पे जल्दी जल्दी घूम के, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है नहीं खास, जल्दी जल्दी घूम के फिर आप लेना राइड किसकी, शिकारा की, क्योंकि फिर वहाँ रात बात हो जाएगी तो कुछ पता नहीं चलता। तो उन्होंने बोला कि फटाफट। और यहाँ सच बताऊँ तो यहाँ कुछ नहीं है यार देखने लायक, यहाँ बस पेड़ पूड़ है। और वो ना अच्छे से हमें तो समझ नहीं आ रहे, ऐसी डंडियाँ सी लगी हुई। और वहाँ देखो वो फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे। चलो 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 हमने चलते। ये पेड़ है ये, और ये छोटी छोटी डंडियाँ सी,
किसी किसी चीज़ के हैं ये पेड़, और ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और ये है, ये है, और ये व्यू है, वो हल्की हल्की बर्फ गिरी है। ये है चिनार का पेड़ और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस पर हमने फ़ोटो खिंचवाई है, मतलब यहाँ से जाके अंदर तो जा नहीं सकते। और ये सब लोग देखो वहाँ जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक करवाने, ये लग रहा है इस साइड ऐसा, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ है, लग रहा पतली सी दीवार पे चल रही है भाभी, और इसका पेट गड़बड़ा रहा है, कह रहा ज़्यादा मत चलवाओ। और ये वाली जगह है, यहाँ भी अच्छी आएगी फ़ोटो, ये जगह थोड़ी अच्छी है, अगर इस पे सारा बर्फ होती होगी ना तो ज़्यादा अच्छी लगती होगी जगह, ये अच्छी जगह है। यहाँ पर सीन ऐसा है कि हमने कुछ नोटिस किया, हाँ हमने नोटिस ये किया कि यहाँ ना लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बात पे मतलब ऐसे आ रहे, कभी फूल पकड़ा रहे आपको, ऐसी चीज़ें कर रहे, मैं यहाँ का माली हूँ, उसके बाद बख्शीश दे दो, बख्शीश मतलब फूल ला के दिए ना, क्योंकि मुगल गार्डन है तो फूल ला के दिए, तो हमने ले लिया, हमें पता नहीं था, तो उसके बाद कह रहे कि कुछ बख्शीश दो, तो बेसिकली अगर आपको कोई यहाँ पे आके कुछ देता है तो उसको मत लो, मतलब इग्नोर करो, बात बात पे यहाँ पे बख्शीश मांगी जाएगी, तो उस चीज़ को थोड़ा हाँ। ध्यान देना, बख्शीश बख्शीश। तो यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी शायद होगा, जो कि अभी पूरा सूखा पड़ा है, मतलब यहाँ पे ना फ्लावर्स वगैरह हमने एक्सपेक्ट किए थे, फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ट्रीज़ अलग अलग तरीके के लंबे लंबे ट्रीज़ ही है बस, फ्लावर्स न्यू। और यहाँ पर ये ड्रेस का फोटोशूट होता है, फोटोशूट यहाँ पे आप पहन के आपको हैंड टू हैंड फोटोग्राफ्स वो दे देंगे, और अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। और वो पेड़ कैसा है, गोल सा, अच्छा है, स्टोन जैसा। यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ फोटोशूट चल रहा है लोगों का, ड्रेस पहन पहन के वेट कर रहे हैं शुभम का। तो ये देखो, ये तब तक ये देखो चिड़िया नहा रही है, और ये कौए कैसे कौए हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, हाँ अलग से कौए हैं, तो चिड़ियाएं भी यहाँ की मोटी हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे मेरे को ही मारेंगे, उसकी आंखें देख कैसी है। जो गार्डन है इसमें तब फायदा है, पता है कब, जब सीजन हाँ, हो ना फ्लावरिंग का, जब फ्लावर्स हाँ, वगैरह उगे हो अच्छे अच्छे, तब फायदा है, क्योंकि अभी तो एकदम बंजर पड़ा हाँ, है सब, एकदम मतलब मोस्टली जो पेड़ भी है ना, आप ये देख सकते हो पेड़, ये बिल्कुल सूखे हैं, सूखे पत्ते एक दो टंगे हुए, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अगर आप आ गए हो तो ज्यादा अंदर मत जाओ, सारी जगह सेम है, बस ये जैसे मान लो यहाँ से आगे कहीं से आपने एंट्री करी तो थोड़ा सा घूम के चला, आप सोचोगे आगे जाओ नहीं, फायदा नहीं है। अगर आप हाँ सीजन में आओ, जब फ्लावर वगैरह अच्छे से हैं तभी अच्छा दिखे, या फिर बर्फ पड़ी है तब तो सारी जगह अच्छी लगती है, बर्फ में तो भाई तुम कहीं भी जाओगे ना वो अच्छी जगह लगेगी, वाइट वाइट स्टार्ट हो गए राइडर, और ये शिकारा राइडर, हम आए हैं मुगल गार्डन चश्मा शाही, दोबारा लगेगी ना, अच्छा वो मुगल गार्डन निषाद था और ये मुगल गार्डन चश्मा शाही, और ये यहाँ की मार्केट है, यहाँ पर ये फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, अभी हम पूछेंगे कौन सा कितने का, और बाकी उधर फेरन मिल रहे हैं, यहाँ स्कार्फ और इस टाइप में फर में मिल रहा है, ऐसा सॉक्स मिल रही है, कितने की, 150 की सॉक्स मिल रही है, और हम भी दिल्ली से 150 की लाए हैं। Yes. ये फेरन, ये ब्लैक फेरन क्या प्राइस है, मेहंदी कुर्ता है फेरन, वो रेड वाला है, अच्छा क्या, ये कुर्ता है, ये फेरन नहीं है, और फेरन वो है, मतलब प्राइस ठीक है अच्छे फेरन, ये ऐसा सा देख, ये ओपन वाला ये अच्छा, मेरे को तो ये अच्छा अच्छा लग रहा, अलग सा, हाँ ये अच्छा है, यूनिक है अलग सा, लेकिन ये तो कोटी टाइप में, बाकी शॉल है भाई, अब टिकट ले रहे हैं, सेम वही, ये भी उतने की पड़ेगी जो इससे पहले वाले गार्डन में पड़ी थी, और यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक की शॉप भी है, चिप्स वगैरह, बाकी यहाँ से एंट्री है, ये उससे थोड़ा अलग लग रहा है, और यहाँ से व्यू भी थोड़ा हटके आ रहा है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ है हल्की हल्की, ग्लव्स देख रहे हैं, ग्लव्स 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 या कान का, हेडफोन जैसे, अच्छा ये 100 का क्रीम वाला ले लो, ग्लव्स तो नहीं देखने,
सही कैटेगरी है ये 100 के 100 के ठीक है। और ये क्या प्राइस है भैया? कितना 50? ये 50 है, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्या ये? ये नहीं, ये है क्या? कैप है। नहीं कैप है नहीं, इसकी वो है। और ये कितने का? ये 200, ये 200 की कैप है। चलो आगे, अभी अंदर चलते हैं। चलो आके शॉपिंग करते हैं। और ये वाला ना थोड़ा पिछली बार वाले से बेटर लग रहा है, अब अंदर जाके देखते हैं, है ना? स्टार्टिंग में क्या है, इतना चलना पड़ रहा है। ये बर्फ, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी बर्फ झाग जैसे पड़े। ये भी उसी टाइप का थोड़ा, बस इसमें चलने के लिए स्पेस अलग है और ये थोड़ा बिचा बिचा है इसलिए। और सीढ़ियाँ इसमें यार ज़्यादा। हाँ सीढ़ियाँ इसमें, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ। ये वही है गार्डन पार्ट है, वो वाला जो फॉलिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं ना उनका है, वो सूख चुका है। हाँ और ये वही जो मैं कह रहा था, ये बस सीज़न में आके ज़्यादा फ़ायदा है। इस टाइम ये सब सूखा सूखा लग रहा है। यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है, बर्फ़ गिरी हुई थोड़ी। और ऊपर फोटो वोटो खिंचवा के फिर अपन चलते कहीं और। इनका मन कर गया है मैगी खाने का, पहाड़ों वाली मैगी, कश्मीर की मैगी। कश्मीर की मैगी अब हम बहुत अच्छी मैगी, अब मैगी खाने जा रहे हैं। मुझे अगर कुछ पीने को मिलेगा तो मैं कॉफी पीऊंगी। आपको इनमें से हल्का सा सब कुछ थोड़ा 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 चक ले लूंगा। अरे इधर से भाभी जा रहे हैं वापिस। देख रहे हैं जूते, ये 150 के। इसके अंदर फर है हल्का सा, यार ये यूज़ कौन कर, ये मैच कर गया पूरा। बाकी ये कैसी है? क्या ये कह रहे पिंक लेंगे एक ब्राउन, तू भी ब्राउन ले ले। ब्राउन एक ही है यार, होगा ब्राउन ऊपर ही तो टंग रहा है। ये देख रहे हैं ये वाला क्या? इनका क्या रेट है दिखाओ? ये तू पेन सुनो देगा, सुनो मेरा तो नीचे जा रहा है, ऊपर लगाओ ना यहाँ पे। हाँ हाँ बस बस सही लग रहा है, सही लग रहा है। अच्छा हाँ भाई, इन्होंने अभी इसमें ये ग्रे लिया, ग्रे चेंज कर लिया, ये ग्रे ले रहे, सेम ले रहे, ग्रे ग्रे दोनों नेहाने सेम। और बाकी ये भी इसमें फर। भैया ये कितने का ऊपर वाला? ये 1500। कितना? 1500। अच्छा 1500 रुपए का है वो। इन्होंने मेरे को ये दिलाया, क्यूट लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। ये देखिए पीछे भी लगा के बैठा है। दो बिल्ली आ गया हमारे बीच, ये लिए 100 रुपए के। मतलब ये ना कान गरम रख रहा है यार, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार लगाए कैरी से लिए, मेरा नहीं इस तरह पहना दिया मेरे को। कोई नहीं अभी पहले लोकल करा ले ले। ये मेरे को मुंबई की याद दिला रहा है, जैसे हम महालक्ष्मी मंदिर के आसपास जाते हैं तो ऐसे होता है वहाँ पर। तो अब हम जा रहे हैं होटल वापस, रास्ते में फिर भी वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और भैया हमें गाइड कर रहे हैं, वो ऐसा हिल है 13 किलोमीटर नीचे से, साथ साथ बता रहे हैं यहाँ ये ऐसे, मतलब हमें गाइड कर रहे हैं। ये डल लेके हम इसका पूरा ऐसे राउंड चक्कर काटेंगे, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे। और वहीं कहीं हमारा होटल है, वहीं से हम बीच रास्ते से मुड़ जाएंगे कहीं। ये बहुत बड़ा है, ये व्यू देखो आप, वो बहुत पहलगाम में सबसे ज्यादा शूटिंग हुई है। मतलब ये जो पेड़ है ना और इसकी जो ये शेडो पड़ रही है बहुत अलग ही लग रहा है। इसकी ना पेंटिंग करते हैं, मतलब ये मैंने पेंटिंग देखी थी आज तक, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, सच में पहली बार देख रहा हूँ ऐसे शेडो। मैंने अभी तक बिल्डिंगों की शेडो देखी थी, ऐसा नहीं देखा था मैंने कभी। और ये बोट्स छोटी छोटी, इसको ही कहते शिकारा। अभी आएगा यहाँ पर पानी में पोस्ट ऑफिस। आज हमारा शिकारा नहीं हो पाया, हमारा शिकारा बाद में है। आज सिर्फ गार्डन थे, एक गार्डन हमने बोला रहने दो क्योंकि
सेम है सब अंदर कोले रखते सीजन में आके फायदे है अप्रैल में बोल रहे हैं और ये रहा पोस्ट ऑफिस वो कोले नहीं रखते पोस्ट ऑफिस मतलब वो कांगड़ी टाइप की फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस अंदर आती है ये भी देख लिया भाई। अब हम आ चुके हैं अपने होटल और हमारा होटल ये देख लो अभी यहाँ पर कुछ बनेगा शायद से और ये रहा गेट। तो भाई बड़ी तेज नींद आ रही मैंने ऐसे झुकता सोता हुआ हूँ आँख नीचे करता हुआ। तो हम जा रहे हैं इसके रूम में रेस्ट करके हम जा रहे हैं इसके रूम छापा मारने। तो भाई ये दोनों अभी करता हूँ ये दोनों और एक चीज दिखाते हो इन इनकट देखो डर डर देखो डर ये देखो डर इन्होंने टीवी और शीशा छुपा दिया डर देखो डर और बाकी सब चेक कर लिया इन्होंने कैमरे। वो दोनों सो रहे हैं और इस रूम में ऑर्डर करें क्या ये मोमोज 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 बोल रहे हैं बाकी कह रहे देखेंगे बोल रहे कितने गए 200 रुपए 100 का ये 100 का ये 120 और 20 का ये 100 की प्लेट ये थी 100 100 और 20 खोलना दूसरा बहुत खुश है पिन पड़ी कुछ है मेरे पास नहीं। अबे सीधा रखना गिरा मत देना मोमोज नाइस अच्छे आई एम भूख लगे बहुत भूख लगे हमें मिले हैं रोटी और ये अपनी गोभी की सब्जी चावल दाल एंड मशरूम मशरूम भी मैंने मशरूम ले लिए और नॉनवेज भी हमने गोभी नहीं लिए डॉली गया। अब हम खाना वाना खा के आए बाहर मार्केट देखने और मार्केट तो एकदम सुनसान है मतलब ज़्यादा दूर नहीं आए ये रहा होटल सामने वाली दुकान पर आए हम चिप्स लेने। ये यहाँ पर शॉप में हम आए तो ये है ये कैंडी है आई बॉल ये कैंडी आँखें रखी हुई है और ये ले रहे हैं चिप्स वगैरह कुछ देखते हैं अब क्या लेते हैं। भाई ये कोल्ड ड्रिंक और ये कोल्ड ड्रिंक ये कह रहा मैं ले रहा हूँ मन खराब होगा तो पता नहीं कैसे कुछ कह रहा था फिर बाकी ऐसे सुनसान है। देखो ये मैंने जैसे दिखाया हम इस वाली शॉप पे गए थे और वो डायनासोर के अंडे और ये हमने चिप्स लिए। जब हमारा भी घर होएगा बड़ा सा हम कुंडी ऐसी लगाएंगे सीक्रेट कुंडी और ऐसी हमारी गाड़ियाँ खड़ी होएगी पार्किंग में और यहाँ मैं पालूंगा कुत्ते डॉगीज। इसका ट्रिप हुआ यहीं समाप्त मतलब डे वन कश्मीर का। आज हमने श्रीनगर घूमा मतलब कि एक डल लेक रह रही है शिकारा जो होती है बोट वो रह रही है वो हम शायद लास्ट डे करेंगे अभी सिर्फ हम घूम के आए वो क्या बोलते हैं उसको गार्डन मुगल गार्डन अब मिलते हैं अगले दिन बाय।